देहरादून में बैंक कर्मियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल का फैसला लिया है। बैंक कर्मी 31 जनवरी और 1 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल शुक्रवार और शनिवार को होने के चलते अगले दिन रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। इस तरह लगातार 3 दिनों तक बैंकों के बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल से प्रदेश में 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार प्रभावित रहने की उम्मीद है। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर 9 यूनियंस हैं और सबके सब 9 की 9 कल की हड़ताल में शामिल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम हड़ताल पर क्यों हैं। हमारा वेतन समझौता हर 5 साल में एक होता है, नवंबर 2017 से वो देय है और इस पे अभी तक कोई भी संक्षिप्त या जो कहें कि कारगर समझौते पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो 3 दिन ये जो हड़ताल है वो रहने का फैसला यहाँ पर बैंक कर्मियों की तरफ से। तो 2 फरवरी को रविवार है, तो आपको बता दें कि एक दो को बैंक कर्मचारी जो हैं अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने ये हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। ये पहली बार नहीं है, लगातार अपनी कई मांगों को लेकर वो इसी तरह से नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रहे हैं हड़ताल के ज़रिए। और एक बार फिर से उन्होंने ये ऐलान किया है 31 जनवरी और 1 फरवरी को वो हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 2 फरवरी को रविवार पड़ने के चलते जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। आम लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी बीच संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बार फिर से बैंक हड़ताल क्या जो चेतावनी है वो सरकार को बैंक कर्मियों की तरफ से, 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? बिल्कुल, देखिए 12 सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल का जो है फैसला लिया गया था, जिसके बाद जो है बैंक कर्मचारी अधिकारी ने आज जो है प्रेस वार्ता करके जो है ये संकेत दिए कि अगर सरकार उनकी 12 सूत्रीय मांगों पर जल्दी ही अमल नहीं करती है तो वो बैंक हड़ताल करेंगे। हालांकि उन्होंने बैंक की हड़ताल का ऐलान किया है, 31, 1 और 2 तारीख को बैंक बंद रहेंगे, जिससे देश भर में लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। लगातार जो बैंक कर्मचारी हैं वो सरकार से संवाद स्थापित कर रहे हैं कि उनकी जो 12 सूत्रीय मांगे हैं उस पर सरकार को जल्द से जल्द अमल करना चाहिए, क्योंकि 2017 से ये मांगे उनकी चलती आ रही है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिसके चलते अब जो है उनको आंदोलन की रूपरेखा इस तरीके से तैयार करनी पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सौरभ जानकारी।